चलिए चलो 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 जाना है। कल जो श्रीसलम पावर प्लांट में जो हादसा हुआ जिसकी वजह से 9 लोगों की जान चली गई, उन 9 लोग जो कल उस हादसे में उनकी मौत हुई, इंतकाल हुआ, उसमें हैदराबाद पार्लिमानी हलके की रहने वाली हमारी एक काबिल इंजीनियर भी थी, मोहतरमा उज़्मा फ़ातिमा, जो वहाँ पर एक असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रही थी। मैं आज यहाँ पर आज़मपुरे में उनके घर आकर उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब को अपनी जानिब से, पूरी आवाम की जानिब से उनको ताज़ियत पेश किया हूँ। और यकीनन ये बड़ी गम की बात है कि कल जो श्रीसलम पावर प्लांट में हादसा हुआ उसमें 9 लोगों की जानें चले गई, एक डिविजनल इंजीनियर भी थे। मैं आज जनाब अब्दुल हक साहब जो मरहुमा के वालिद हैं उज़्मा फ़ातिमा के, उनसे मुलाकात किया, और ये बात शायद किसी को भी नहीं मालूम, उनके वालिद साहब जनाब अब्दुल हक साहब ने और उनके भाई ने मुझे बताया है कि उज़्मा फ़ातिमा एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट थी और बचपने से वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी थी, मेहनत करती थी, और उसके नतीजे में उनको मेरिट की बुनियाद पर शहर हैदराबाद का जो सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है CBIT में, उनको मेरिट में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में उनको कोर्स करने का मौका मिला, एडमिशन मिला, और फिर उसके बाद उनको तेलंगाना जेनको में वो इम्तिहान लिखी, उसमें क्वालिफाई हुई, और वहाँ पर भी उनको मेरिट की बुनियाद पर ये असिस्टेंट इंजीनियर की उनको मुलाजमत मिली। उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब ने मुझे ये भी बताया कि जो CCTV कैमराज उस पावर प्लांट में लगे थे, वो बता रहे थे कि उज़्मा फ़ातिमा तो बाहर निकल चुकी थी एक टनल से, मगर वो दोबारा वापस आई, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम था कि किस टनल से उनको निकलना है। तो ये एक बड़ी बहादुरी का काम है
कि उस्मा फातिमा ने वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनकी जान को बचाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए वो वापस आई। उस सीसीटीवी कैमरे में ये दिख रहा है साफ तौर से कि उस्मा फातिमा दोबारा वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की पूरी कोशिश की। उसमें से बाज़ लोग निकल गए, मगर अफसोस के हमने अपनी बेटी को खो दिया और उस्मा फातिमा की जान दूसरों को बचाने में चली गई। हम हुकूमत तेलंगाना से, ख़ास तौर से चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो हादसा हुआ उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और ताकि आइंदा इस तरह का हादसा ना हो। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द जो ऐलानात किए हैं, जो लोग जिनकी जानें कल चली गई हैं और उस्मा फातिमा के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 25 लाख रुपए के एक्सग्रेशिया का ऐलान किया और उस्मा फातिमा की जो तनख्वाह थी वो ज़िंदगी भर उसका पेंशन उनके अफराद ख़ानदान को मिलता रहेगा, और तीसरी चीज़ जो एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है उनके किसी ख़ानदान के फ़र्द को दिया जाएगा। अब मैं मुतालबा करता हूँ जनाब प्रभाकर साहब तेलंगाना जेनको के चेयरमैन से कि जल्द से जल्द ये जो ऐलानात हुकूमत की तरफ से किए गए हैं उसको रोबे अमल में लाएँ। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह सुबहाना व तआला जनाब अब्दुल हक साहब को, उनके तमाम अफराद ख़ानदान को अल्लाह उनको सब्र दे, क्योंकि एक गरीब ख़ानदान में रहते हुए इस बच्ची ने बड़ी मेहनत की महरूमा ने, और मेहनत करके अपने बलबूते के ऊपर उन्होंने ये नौकरी हासिल की। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया हैदराबाद के मायानाथ इंजीनियरिंग कॉलेज CBIT में मेरिट की बुनियाद पर। अल्लाह सुबहाना व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह इनकी महरूमा की मग़फ़रत फरमाए और इनके अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता करे, और इंशाअल्लाह तआला ये बच्ची हम तमाम के लिए एक बहादुरी की मिसाल है कि कैसे वो अपनी ज़िम्मेदारी को, आग को देखते हुए उन्हें नहीं भूला और वापस जाकर अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान को क़ुर्बान कर दिया। अल्लाह इनकी मग़फ़रत करे, और मैं ही फुरसा देने के लिए आज मरहूमा के घर को आया था। शुक्रिया।